हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंड डिफेंस एकेडमी पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि सोमवार से हमारा, पहले एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, सोमवार से क्या होगा, हमारे दो वीडियोस आपको डेली मिलेंगे। ठीक है, आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही तैयारी करो। ठीक है, सुबह हमारा एक वीडियो होगा 9 बजे, ठीक है, एक वीडियो होगा हमारा शाम को 7 बजे। सुबह का जो एक वीडियो होगा उसमें सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ, सांस फूलने की समस्या, स्टेमिना क्यों नहीं बनता, क्या डाइट होनी चाहिए, और काफ़ी सारे डाउट्स हैं आपके कि ABC ड्रिल क्या होती है, स्पीड रनिंग कैसे होती है, क्या स्ट्रेचिंग होती है, सारा सब कुछ हम सुबह 9 बजे कवर करेंगे। शाम को 7 बजे वाला जो वीडियो होगा वो आपका 1 to 60 days का एक, देखो अभी आज तक आपने देखा होगा सब चैनल में, काफी जगह आपने देखा होगा कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का एक वीडियो आता है कि 60 डेज में ट्रांसफॉर्म हुई बॉडी, यहां से यहां पहुंच गए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है किसी ने रनिंग के लिए ट्रांसफॉर्म किया हो, क्योंकि रनिंग भी एक एक्सरसाइज है, रनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी जिम से भी, जिम में इतनी मेहनत नहीं लगती मुझे लगता है जितना स्टेमिना हमारा रनिंग में लग जाता है। ठीक है, तो उसी इंड्योरेंस के लिए, उसी के बातचीत के लिए हम लोग 60 दिन ये कवर करेंगे, और पूरा मैं आपको सुबह शाम, ये नहीं कि आपको उसे बोर्ड पे समझा दिया, एक एक चीज हमसे, माइक नहीं मिल रहा है, रुकना, एक एक चीज हम आपको बाकायदा करके बताएंगे, जो भी डाइट होगी, हम जो खा रहे होंगे वो आपको बताएंगे, क्या प्रोडक्ट्स मैं यूज करूंगा वो आपको बताऊंगा। तो 60 दिन का हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, तो अभी तक आपने तैयारी नहीं की तो आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहली बात हम करते हैं 2 किलोमीटर रन की। ये 10 जरूरी बातें हैं जो हमें समझ लेनी पड़ेंगी रनिंग से पहले, क्योंकि तब मैं एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। और एक चीज, आप लोग जब भी वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा तो जो भले 50 लोग वीडियो देखो, लेकिन जितने लोग भी वीडियो देखोगे डेली कमेंट करना मत भूलना, और जरूर अपनी दिक्कतें बताना कि भैया आज ये दिक्कत फेस करनी पड़ी, आज ये दिक्कत हुई। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। पहला हमारा 2 किलोमीटर रनिंग। देखो, जब तुम रनिंग कर रहे होगे, बोर्ड में बताने में ज्यादा मजा आता है मुझे, क्योंकि हर चीज मैं आपको प्रैक्टिकल ऐसे करके बता देता हूँ, ग्राउंड पे कैमरा इधर उधर घुमाना सही नहीं रहता है। देखो, 2 किलोमीटर रनिंग, आपका 400 मीटर का जो मैक्सिमम ट्रैक होता है, 400 मीटर का होता है सब जगह। ठीक है, 400 मीटर का ट्रैक होता है, और ये ट्रैक होता है हमारे यहाँ, ये ट्रैक होता है 400 मीटर का। अब आप जब पहला 400 मीटर कर लेते हो, ये उनके लिए है जो कभी जिंदगी में नहीं दौड़े, जब आप पहला 400 मीटर का ट्रैक पूरा कर लोगे, उसके बाद आपकी सांस फूलना चालू हो जाएगी, ये 100% डन है, कंफर्म है, ये सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होगा। 400 मीटर के बाद सांस फूलने लग जाएगी, लेकिन अपने आप को पुश करोगे कि 400 मीटर और भाग लेते हैं, तो जितना पुश करते जाओगे आपका 800 मीटर कंप्लीट होगा, वहां पे आप बिल्कुल खत्म हो जाओगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि 800 मीटर आते आते आपको लगेगा कि आप बॉडी में कुछ नहीं बचा, जबकि बहुत कुछ बचा हुआ होता है, लेकिन हमें पहले दिन से तो सब कुछ झोंक नहीं देना है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि दौड़ से आज तक कोई मरा नहीं है। ठीक है, ये बात आपको सुनने में थोड़ा सा बड़ा अजीब लग रहा होगा, ये बात अपने दिमाग में रखना, क्योंकि तुम लोग क्या होता है बहुत पहले रुक जाते हो, वहीं से हर सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। एक चीज का ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा सांस फूलेगी, बहुत ज्यादा, लेकिन शुरुआत की अभी जो चीजें बता रहा हूं ये बाद में करना, अभी मैं जितना बताऊंगा सिर्फ उतना। चलो बात की बात है, बाद में बताएंगे, अभी इधर चलते हैं। 800 मीटर पे आपकी सांस फूलने लगी, 800 मीटर में बहुत ज्यादा सांस फूलेगी, फिर आपको क्या करना है, आपको अपनी लिमिट, अपनी स्पीड को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, थोड़ा सा कम कर देना है अपनी स्पीड को। तो 800 से एक चक्कर फिर भी लग जाएगा, जब आप कम स्पीड करोगे तो एक चक्कर तो लग ही जाएगा। तो एक चक्कर लगने के बाद हमारा कितना हो गया, टोटल 1200 मीटर हमने कवर कर लिया। अब बाकी का जो हमारा 800 मीटर बचेगा, वो हम लोग पैदल कवर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 800 मीटर का हमारा पैदल कवर हो जाएगा। तो समझ गए होगे मेरी बात, 400 मीटर पे सांस फूलना चालू हो जाएगी, 400 मीटर तक फूलेगी, लेकिन आप लोग अपने आप को थोड़ा सा आगे ले जाओगे तो 800 मीटर तक बहुत ज्यादा आपकी दिक्कत आ जाएगी। आपको जिस स्पीड से आप दौड़ रहे होगे उसकी आधी स्पीड आप कर दोगे आगे के 400 मीटर, और उसके बाद जो 800 मीटर होगा वो पैदल। पहला टॉपिक खत्म, हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, खाना खाकर दौड़ना है या नहीं। देखो, कई बार क्या होता है कि हम लोग सुबह रनिंग करने वालों के लिए नहीं है ये, सुबह रनिंग अभी देखो एक ही टाइम रनिंग करनी है, मैं बताऊंगा सुबह करनी सिर्फ, ठीक है, जब वो शेड्यूल अपना शुरू होगा, इसीलिए कह रहा हूँ डेली फॉलो करना है। एक भी दिन का वीडियो मिस किया सब गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि कितने दिन सुबह दौड़ना है, कितने दिन दोपहर में दौड़ना है, कब शाम को दौड़ना है, कब दोनों टाइम दौड़ना है, और कब, कुछ ट्विस्ट भी हैं इसमें, मैं दिखाऊंगा, हिला के रख दूंगा यूट्यूब का, ये जो रनिंग का है प्रोसेस। भले मैं इतना बड़ा एथलीट नहीं बन पाया हूँ, लेकिन मैं वीडियोज देखता हूँ,
किताबें पढ़ता हूँ रनिंग से रिलेटेड, और वो भी यहाँ नहीं बाहर के जो विदेशी हमारे एथलीट है उनकी, ठीक है, और बुक्स मेरे पास रखी भी हुई हैं आपको भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो उन्हीं का प्रॉपर फंडा मैं आपको बताता हूँ और कुछ नहीं है। दूसरी चीज हम चलते हैं, खाना खाकर दौड़ना है कि नहीं। जब आप सुबह रनिंग करने जाओगे तो कुछ भी खा के नहीं दौड़ना है, पहली बात तो ये। एक रामबाण तरीका बताएंगे हम आपको कि क्या खा के पी के दौड़ोगे तो आपका स्टेमिना बनेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा जब सेशन हमारा स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल के लिए बताते हैं कि खाना खाकर क्यों नहीं दौड़ना है। जब आप खाना खाते हो और खाना खाने के बीच और दौड़ने के बीच आपका अगर 2 घंटे का डिफरेंस नहीं होता है तो होता यह है कि हमारा खाना पच नहीं पाता है, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो खाना जो आपका गया है वो रखा रहेगा, जब तक उसमें कुछ भी बर्न नहीं होगा तब तक वो, आपको भी बात पता है कि वो एनर्जी में तब्दील नहीं होगा। तो जब तक खाना वो मतलब जलेगा नहीं, जलने का मतलब समझते हो क्या होता है, अग्नि जिससे कि खाना पचता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो उसको एटलीस्ट 2 घंटे का टाइम चाहिए। तो आप लोग कोशिश ये करो कि जब भी आपकी शाम को 5 बजे अगर आपको रनिंग करने जाना है तो 3 बजे के बाद आप कुछ मत खाओ। केला खा सकते हो, उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा। तो लेकिन जो प्रॉपर मील होती है, दाल चावल सब्जी रोटी जो आप खाते हो, वो आपको 2 से 3 घंटे का ब्रेक लेके ही रखना है, इतना बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना, वरना बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे, पेट भरा हुआ लगेगा और बहुत सारी दिक्कतें होंगी, ठीक है। और पेट दर्द की समस्या भी इसी से आती है जब आप खाना खा के दौड़ने निकल जाते हो। अगली बात की तरफ चले तो पानी, पानी का क्या करना है, पानी के बारे में क्या बात होनी, पानी के बारे में ये बात होनी है कि आप लोगों को लगता नहीं है लेकिन इसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। जब आप डेली मतलब सुबह से शाम तक जितना पानी आपको चाहिए पर्याप्त मात्रा में नहीं पीते हो, ध्यान रखना मेरी बात, जब आप पर्याप्त मात्रा में दिन भर पानी नहीं पीते हो लेकिन आप सोचते हो कि रनिंग अब 1 घंटे बाद दौड़ने जाना है, 1 घंटे बाद हम 2 लीटर पानी पी लें तो वहां पे गला नहीं सूखेगा, ऐसा नहीं है। बॉडी को हर घंटे एटलीस्ट 1 से 2 गिलास, 1 गिलास एटलीस्ट पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अब तो गर्मी आ रही है तो डिहाइड्रेशन से बचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रनिंग कर रहे होगे आप लगातार स्वेटिंग कर रहे होगे 2 चक्कर के बाद, 2 चक्कर में आपको स्वेटिंग नहीं होगी लेकिन जब आप 5-5, 10-10 किलोमीटर दौड़ोगे आपको डेली स्वेटिंग होगी। तो ध्यान रखो, पानी का इस्तेमाल करते रहो और हो सके तो कभी कभी 1 गिलास नींबू के साथ भी चल जाएगा। तो पानी भरपूर मात्रा में, इतना बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना, कम से कम 7 से 8 गिलास। अगली बात करें तो पर्याप्त विटामिन सी। विटामिन सी क्या करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट किस तरीके से करेगा, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा। रोगों से लड़ने की क्षमता का मतलब समझो आप कि आप रनिंग कर रहे हो, आपको क्या होता है कि बहुत अच्छी तरीके से समझना यार, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करते हैं हम, तो हम भी चाहते हैं कि आप उतनी मेहनत से वीडियो देखो। जब आप रनिंग करते हो, ठीक है, कभी कभी ये होता है कि हम तो कभी कभी ग्राउंड पे करते हैं, कभी हालात ये आ जाते हैं कि हमें ऐसी जगह करना पड़ता है जहां पे पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है, पॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें समस्या हो जाती है ब्रीदिंग में, कभी जुकाम हो गया, कभी ये सब चीजें हो गई। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए तो आपको मैं एक रेमेडी बताऊंगा जो कि गुड़ के साथ बनती है, वो मैं आपको बाद बताऊंगा। अभी फिलहाल देखो, जुखाम का विटामिन सी से डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन क्या है कि ये सब चीजें आपको जल्दी आपकी बॉडी में नहीं जा पाएंगे, इन्फेक्शन वायरस ये सब आपकी बॉडी में जल्दी नहीं जा पाएंगे जब आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा, वो स्ट्रांग होगा आपकी विटामिन सी से, जैसे कि संतरा, नींबू, दही, ये सब चीजें आप लगातार सेवन करोगे। मैं जब फुल डे डाइट बताऊंगा तो उसमें सारी चीजें, टेंशन मत लो, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगली बात करें अगर तो रेगुलर, देखो ये सब चीजों में 19-20 कभी कभी हो जाता है, ये सब चीजों में, बाकी चीजों में 19-20 कभी कभी हो जाता है, लेकिन इसमें भैया 19.5 भी नहीं चलेगा, इसमें 19-20 छोड़ो, 19.5 भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वो बताता हूं। आप 2 दिन दौड़ने गए, पैर दर्द होना लाजमी है मेरी भाई बहन, जो भी देख रहे हो वीडियो, पैर दर्द होना 100% रियल है, पैर दर्द होंगे ही, कन्फर्म है। अगर पैर दर्द होने की वजह से आप रुक जाते हो 2 मिनट, 2 दिन दौड़ने के बाद आप रुक जाते हो तो वहीं से आप हार गए हो। आप अगर डेली रनिंग करो, पैर दर्द हो रहा है थोड़ा रुक के करो, थोड़ा स्पीड कम कर लो, इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन रनिंग यार डेली करनी, तो रेगुलर आपको रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, इसमें आपको इतना बस ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप अगर डेली नहीं रनिंग करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि आपको क्रैम्प आएंगे, आपके हैमस्ट्रिंग में पेन होगा, आपका ग्लूट्स बोला हूं, काफ, सिन पेन, ये सारे पेन स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोशिश करो कि रेगुलर बेसिस पे, कितने दिन का ऑफ रहेगा, कितने दिन आपको नहीं दौड़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप समझ लो संडे को बस ऑफ रहेगा, बाकी दिन नहीं। तो ये भी हो गया। अब
छठवां जो पॉइंट है उसकी बात अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, उसको हम लास्ट में आपको समझाएंगे। ध्यान रखना, छठवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरों की पोजीशन, ये हम लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। इनमें ये 10 ही पॉइंट अभी हमने रखे हैं, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स है, जो मेन दिक्कतें आती है, वो जब हम रनिंग स्टार्ट करेंगे तब करेंगे, क्योंकि अभी जब रनिंग स्टार्ट की ही नहीं तो सारी दिक्कतें कैसे समझोगे तुम, ठीक है। सातवां पॉइंट, हाथों की मूवमेंट। जब हम शुरुआत में रनिंग करेंगे तो हाथों की मूवमेंट इतना मैटर नहीं करेगी, समझना मेरी बात। जब हमने रनिंग स्टार्ट की है तो हाथों की मूवमेंट इतना असर नहीं करेगी, आपकी हाथों की मूवमेंट जो भी हो चल जाएगा, आप रनिंग कंटिन्यू करो बस। 15 दिन के बाद सिचुएशन अपने आप कंट्रोल में आएंगी, 15 दिन के बाद अपने आप हम समझ पाएंगे कि कैसे हमें रनिंग करनी है, तो हाथों की मूवमेंट पे अभी इतना ध्यान मत देना। दौड़ के तुरंत बाद क्या ना करें, हमारे यहाँ आदत है हम लोगों को, क्योंकि गर्मी आ रही है, जैसे ही हम लोग दौड़ के आए, हम लोगों ने 5 किलोमीटर दौड़ा, उसके बाद हम घर आके तुरंत क्या करने लगते हैं, नहाने लगते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है, जब आप दौड़ते हो तो बॉडी का टेम्परेचर कितना हाई होता है, और आके आप तुरंत पानी डालते हो शरीर में तो वो हो जाता है ठंडा, फिर उसके बाद आपकी होती है तबीयत खराब। तो कभी ये गलतियां मत करना कि दौड़ने के तुरंत बाद आप नहाने चले जाओ। दूसरी चीज, दौड़ने के तुरंत बाद कि आप दौड़ के आए, तुरंत आप रुके और आपने 1 लीटर पानी पी लिया, क्योंकि प्यास बहुत तेज लगती है। कोशिश करो कि 5 से 10 मिनट, 5 मिनट बस रुको, और पानी एक साथ मत पियो, आधा ग्लास पानी पहले आप पियो, फिर धीरे धीरे आप पानी की मात्रा बढ़ाते जाओ, लेकिन तुरंत आके पानी नहीं पीना है, ये चीज हो गई। और तुरंत आके कुछ खाना भी नहीं है कि आप दौड़ के आए तुरंत कुछ भी ठूस लिया, समझ रहे हो, ठूसने का मतलब होता है खाने से, ठीक है। तो अगर आते ही तुरंत कुछ खा लिया तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, आपको उल्टी हो जाएगी, तो वो चीज मत करना कभी भी। तो दौड़ के तुरंत बाद खाना पानी 5 मिनट तक नहीं। पैरों का दर्द, जो आपका, जब आप रनिंग स्टार्ट करोगे, आप कितने भी अच्छे जूते पहन लो, आप कितने भी अच्छे ट्रैक पे दौड़ लो, 2 दिन के बाद आपके पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक रनिंग के एथिक्स है जो कि होते ही है, ये आपको इस सिचुएशन से गुजरना ही पड़ेगा। अगर जैसे कि हमें बचपन में साइकिल सिखाई जाती थी कि अगर गिरेंगे नहीं तो साइकिल सीखेंगे नहीं, इसी तरीके इसमें जब तक पैरों में दर्द नहीं होगा, पेट में दर्द नहीं होगा, सीने में दर्द नहीं होगा, तब तक हमारी रेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो पैरों का दर्द होना बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन चीज है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि भैया मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, हम कर पाएंगे कि नहीं, सब कर पाओगे। पैरों में दर्द एकदम नॉर्मल बात है, 2 से 3 दिन होगा, डेली करते रहोगे तो अपने आप सही हो जाएगा, ये भी हो गया। अब बात करते हैं प्रॉपर रेस्ट की, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट का मतलब होता है कि आप 9 बजे घर पे आ गए, आपको अभी मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने रनिंग स्टार्ट किया, आप 9 बजे घर पे आ गए, आप 12 बजे तक फोन चला रहे हो, उसके बाद सुबह 4 बजे उठ रहे हो, कोई मतलब नहीं कि आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हो। बॉडी रेस्ट मांगती है, ठीक है। आप जब बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करते हो तो उसके बाद रेस्ट भी चाहिए होता है। तो कोशिश करो कि फोन को दूर रखो, 10 बजे के बाद नहीं जगना है, सुबह 5 बजे उठ जाना है, 5 बजे से 4 बजे आप उठ जाओ, 6 घंटे की नींद से कम नहीं काम चलेगा। तो ये हो गए पूरे 9 पॉइंट। अब बात करते हैं पैरों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा जूता। पैरों की पोजीशन के लिए हमें लेना पड़ेगा जूता, और जूता ये ना कहना हाथ पकड़े हाइजीन पर्पज, ये बस ये जूते मैं यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि एक जूते मैं पहले से यूज कर रहा हूँ एडिडास के, तो अभी इनको थोड़ा सा ब्रेक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, और हाँ, जूता जिसको भी बढ़िया चाहिए, 2 लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके खरीद सकते हो, बढ़िया जूते मिलेंगे आपको, क्योंकि यार ये जूता रनिंग के लिए सुपर है, एकदम स्पीड में 4 चांद लगा देगा। अब देखो, जब हम दौड़ की शुरुआत करते हैं हम इस तरीके से बताते हैं, क्योंकि अगर हम पैरों को इसे रख के बताते तो फिर तुम समझ नहीं पाते हो, 3 वीडियो में बता चुके हैं। क्या करना है, कभी भी हमें ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, आगे का जो पार्ट होता है और ये जो होता है हमारा एडी का पार्ट, इन 2 पार्ट पे कभी भी शुरुआत में रनिंग नहीं करनी है। इन पे भी करी जाती है रनिंग, क्या टेक्निक होती है, कैसे करी जाती है, मैं वो आपको बताऊंगा। तो ये आगे का हिस्सा और ये पीछे का हिस्सा कभी लैंड नहीं होता है, कभी ना ऐसे होता है ना ऐसे होता है। क्या लैंड होता है, आप जब आप जूता मतलब पैर जमीन पे रखते हो, कौन सा पार्ट लैंड होना चाहिए, तो वो आगे का हिस्सा हटा दो, ये जो पार्ट होता है बीच का ये नहीं, आगे का जो, जब आगे का आप पंजा छोड़ देते हो, उसके पीछे का जो भाग होता है ये, इस पे लैंड होके, ये चीज इस पे ये लैंड होके तब हम पूरा पैर रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है रनिंग के लिए, ठीक है। ये जब आप ये वाला पार्ट, अब कहोगे कि इतना ज्यादा ऐसे बता रहे हो तो वहां पे ग्राउंड पे कैसे, सब हो जाता है, प्रैक्टिस करो सब हो जाएगा। ये वाला पार्ट पहले आप टच करोगे जमीन में, तब जाके आपका पूरा पैर टच होगा। यकीन मानो, इस तरीके से दौड़ो ना पैरों में इंजरी होगी ना कुछ समस्या होगी, और ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल ध्यान रखना इन सब चीजों को। और मैं डेली अब सुबह 9 बजे वीडियो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, और हाँ, जिसको भी होममेड प्रोटीन खरीदना है, अब अमेजोन पे हम लोग लाइव हो चुके हैं, तो जाके वहां से बाय कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
हर जंग जीतेंगे। जितने लोग मेरे ग्रुप में शामिल होंगे ना, ये जो 60 दिन का हम शुरू करने जा रहे हैं, यकीन मानो यार, आतंक मचा देंगे। जय हिंद।